लोग एंटर कर रहे हैं भाई जयगढ़ किला में, जयगढ़ फोर्ट में। अभी भाई आप पूरा व्यू जो है, पूरा फोर्ट आप मेरे डैश कैम से देखो, डैश कैम इन द सेंस मेरे गोप्रो से देखना। इस तरीके से कुछ चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, वो देखो सामने हम लोगों ने अब अखिलेश को खड़ा कर रखा है, वो जो है मेरे आईफोन से क्लिक कर रहा है। भाई इतनी मेहनत लगती है व्लॉग को बनाने में। लेकिन अपनी थार भाई, ओ भाई साहब काफी तेज गाड़ी चला रही है ये तो, जो उसमें दिखाई है। तो भाई तानाजी मूवी में जो लास्ट में दिखाते हैं ना कि एक तोप लेकर आता है, तो ये वही तोप है, सैफ अली खान जो लाता है, सैफ अली खान जो लाता है, जो भी उसका किरदार होता है ना, तो ये वो वाली तोप है। वैसे काफी बढ़िया यार, मतलब वैसे इसका जो टायर है ना करीब करीब 8-9 फुट का होगा, 10 फुट का, 10 के करीब, 10 के करीब फुट का इसका जो है टायर होगा। अगर आपको जो है मतलब वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो 10 फुट का टायर मतलब भाई है तो काफी बढ़िया भाई। भाई अभी आपने यहाँ पर हमारी ये तोप देख ली है, अब इसके बाद देखो भाई व्यू, सी दिस, वो वहाँ पर जल महल है, काफी सुंदर लग रहा है यार। एक तो यार मौसम इतना प्यारा है ना, देख रहे हो बादल कितने प्यारे आ रहे हैं, उसके बाद भाई ये व्यू तो भाई कमाल का है, मतलब आना तो वर्थ है, वो नीचे होगा ना, यहाँ तो सही है। हाँ वही तो, ये भी वहीं जा रहा है क्या रास्ता, वहीं से यार तो यहीं से तो आया यार अभी हम, हाँ वहाँ से, हाँ अच्छा मतलब ये, अरे मैं ये कह रहा हूँ ये नहीं है, ये बंद कर रखा है, ठीक है। भाई जो है सैनिकों की पोशाक जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, उनका मुकुट वगैरह, ये इनके चेस्ट वगैरह के आर्मर्स हैं, सैनिक की होती है, सैनिकों के रहते हैं ये, सैनिक के पास पोशाक नहीं होती। अब वो डिपेंड करता है कौन सा मान जो है, मतलब राजा क्या पहनाना चाह रहा है अपने उनको, बहुत से उसमें दिखाते हैं हाँ, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है तो अच्छा खासा आर्मर उस पर वो करता था। देखो भाई ये एक्सेस वगैरह, हाँ मतलब यहाँ पे पूरा कॉरिडोर बना रखा है और यहाँ पे सारी सारी चीजें दिखा रखी हैं। ये महल का व्यू होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा रखा है, नक्शा वगैरह कुछ, यहाँ पे तोपे हैं छोटी छोटी सी, और ये क्या है ये भाई, कुछ तो है ये मशीन है, पता नहीं भाई क्या क्या है यहाँ पे। ये देखो भाई पुराने जमाने की बंदूकें, ये देखो एक ही गोली डालते होंगे, एक ही गोली चलाते होंगे इसमें, गोली की गलती है उसी बालू डालता होगा, हाँ तो ये सब चीज़ें हैं भाई। भाई अब देखो पहले हम लोग बाहर से आए हैं, अब यहाँ पे कुछ एक भूल भुलैया बोलते हैं इसको, यहाँ पर भूल भुलैया है, भाई हम लोग यहाँ देवगढ़ फोर्ट के ऊपर हैं, यहाँ से रास्ता आता है, यहाँ पे जो साइड्स में होते हैं ना हम लोग एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से पूरा इसका मैप दिख रहा है, जो भी है ये पूरा किला है, इसकी बॉर्डर लाइन्स रखे हैं इन लोगों ने, यहाँ से वो ऐसे ऐसे करके देन ये यहाँ से जाते हुए, और वो जो आपको ब्लू वाला, ये येलो वाला दिख रहा है, सॉरी नॉट ब्लू, दिस येलो वाला, ये है आमिर, तो हमें इसमें भी जाना है, दिखाए खुद तो जाता है, बाकी अगर बॉर्डर लाइन्स का देखो तो आप वहाँ से देखो बॉर्डर से, जयपुर सिटी यहाँ से देख लिया हम लोग।
सो गाइस हम लोग जो है जयगढ़ फोर्ट से निकल के अब हम लोग जा रहे हैं आमेर फोर्ट पे। यार कितना रश है भाई अब यहाँ पे। तो अभी हम लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं क्योंकि रास्ते में पड़ेगा हम लोग आमेर फोर्ट, वहाँ जाना है। अब उस वाले फोर्ट को देख के जाए हम लोग जो है मेन सिटी की तरफ जाएंगे। देखो ऊपर दिख रहा है आपको, वहाँ पर थे हम लोग अभी। जल्दी नीचे को आ गए यार, चल के वहाँ तक आ गए। हम लोग पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट पे। हम लोगों ने जो है ना कोई प्राइवेट टैक्सी करी है ना फिर हम लोगों ने कोई ऐसा गाइड करा है, हम लोग अपनी पर्सनल कार लेकर आए हैं। एक्चुअली वहाँ पे उन लोगों ने ऑप्शन दिया कि आप पर्सनल कार ले जा सकते हैं और टैक्सी वगैरह ले जा सकते हैं, तो हम लोगों ने अपनी कार को प्रेफर करा बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हर जगह मेरी गाड़ी जो है जाए और इसके साथ मेरी मेमोरीज बने। सो अभी ऐसा कुछ सीन है भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से रास्तों से हम लोग जा रहे हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ से निकल रहे हैं। तो बस हम लोग ये इनका काफिला जा रहा है लोगों का, वहीं से हम लोग इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। देन अभी पता नहीं कितनी दूर है, वैसे तो हम लोग शायद किले के आसपास ही है, किले की ही बिल्डिंग है ये, येलो येलो ब्यूटीफुल। भाई बहुत खड़ी चढ़ाई है यार, एकदम स्टेप चढ़ाई है एकदम ऊंची। कितना डिग्री होगा, कम से कम 70-80 है ना? बहुत ही ज्यादा है, 70 डिग्री तो होगा भाई। पहले गियर में डालनी पड़ रही गाड़ी, अब जो है माहौल बन गया गाड़ी का, अब दूसरे में डाल दो और अब जो है इसको चलाओ। ऐसे पहाड़ों में पहले दूसरे को, हाँ हाँ भाई 70-80 डिग्री बहुत होता है, लगातार गाड़ी चलती है, यही गाड़ी में लग रहा है भाई। बहुत मेहनत के बाद पसीने निकल रहे हैं हमारे, हम लोग पहुंच चुके हैं हमें फोर्ट में। बहुत भीड़ है यहाँ पे, पार्किंग में जगह नहीं थी, बहुत मशक्कत करके गाड़ी को हम लोगों ने पार्क करा है। बाकी सारे भाई अपने यहाँ पर हैं साथ में। फोर्ट दिखाओ, अब चलो फोर्ट देखते हैं यार। भाई यार गर्मी बहुत है लेकिन ठीक है यार। यानी कि देवगढ़ फोर्ट पे तो दूसरे वाले फोर्ट पे तो यार सही था मौसम, यहाँ पे आके एकदम गर्मी से हो गई है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा ह्यूमिड व्यूमिड सा लग रहा है और धूप भी बहुत तेज है इस टाइम पे और बहुत पसीने आ रहे हैं। वहाँ पुराने वाले में सही था मौसम, हवा भी सही चल रही थी। तो भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से आमेर फोर्ट से, काफ़ी थक चुके हैं, फोटोज़ वगैरह हमने बहुत सारी ले लिया, बहुत सारी एक जगह पे हमने बहुत सारी फोटोज़ लिए हैं रैंडम निकलते निकलते। चलें भाई, हम यहाँ पे अपनी पार्किंग लगा के गए थे सबसे ऊपर वाली जगह पे, यहाँ से नीचे जाके लोग जा रहे हैं वहाँ पे, देख सकते हैं आप इधर कहीं गाड़ी अपनी हम लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल टाइट पार्किंग में खड़ी करी थी और अभी यहाँ कोई भी नहीं है भाई। अभी धूप तो चली गई है, थोड़ा सा मौसम ऊपर देख रहे हो सही हो रहा है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मतलब पसीना ना रुक नहीं रहा हमारा और अब जो है बॉडी भी एग्जॉस्ट हो रही है। अब हम जाएंगे थोड़ा सा आराम करने के लिए नीचे सिटी में, अब कोई फोर्ट वगैरह नहीं देखेंगे, हम लोग नीचे जाते हैं कुछ खाएंगे पियेंगे आराम करेंगे क्योंकि ये 2:30 बज रहा है तो खाने पीने का टाइम हो रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं खाने पीने के टाइम पे। चलिए
भाई हम लोग जल महल देखने आए थे, शाम के हो रहे हैं 3:30। और देखो भाई कितना गंदा बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे, देख लो ये रहा जल महल आपके सामने। भाई अब यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है यार जल महल में, 5 मिनट हुए बैठे हुए, बस मेरा मन भर गया कि भाई अब घर चलो, यहाँ बैठ के कुछ फ़ायदा नहीं है। अब हमारा बस हवा महल जा रहा है, उसको देखते हैं बस कैसा है वो, उससे मुझे कुछ खास उम्मीद है नहीं अब, क्योंकि बारिश की वजह से यार बहुत गंदगी है यहाँ पे, देखो देखो कितना बुरा हाल है। तो बस आई एम डन, अब चलते हैं यहाँ से। तो भाई हम लोग आ गए थे यहाँ पे हवा महल पे, लेकिन बारिश देख रहे हो भाई, बारिश हो रही है। और जो यहाँ पे सामने वाला कैफ़े है ना, जो वो बहुत फेमस है विंड व्यू कैफ़े, हम लोग वहाँ पे भी गए थे, लेकिन जो उसका रूफ टॉप है वो पूरा भीग रहा है, और वहाँ पे जाने के मिनिमम चार्जेस हैं, मतलब ऐसे 200 रुपये पर पर्सन। तो हम लोगों ने सोचा यार एक दो फोटो क्लिक कराने के लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कुछ इतना खास मुझे भी नहीं लग रहा है यहाँ से, क्योंकि बारिश हो रही है ना, पूरा मूड ही हमारा बिगड़ा हुआ है इस टाइम पर। हाँ तो बस अब हम लोग जाए यहाँ से चल रहे हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि बताऊंगा बाद में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है यार जयपुर में, यार घर निकल रहे हैं हम लोग मेरठ के लिए। अब जयपुर से निकल चुके थे और हम लोग हैं दिल्ली मेरठ वाले, नहीं दिल्ली मेरठ वाले नहीं, तो भाई अभी हम लोग हैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे। और भाई अभी गाड़ी देखो, और यहाँ भाई ये समा देखो कितना खूबसूरत है ना, इसी वजह से हम लोग जो है यहाँ पर रुक गए थे, थोड़ी सी फोटो वोटो क्लिक करा दे, क्योंकि इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, सही सनसेट हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है फोटोज़ क्लिक करा देते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है यहाँ से फोटोज़ वगैरह में ना, तो इस वजह से मज़ा आता है इंस्टाग्राम पे जब डालेंगे ना तो थोड़ा सा माहौल बनेगा, तो ठीक है थोड़ी सी फोटोज क्लिक कराते हैं और जर्नी कंटिन्यू करते हैं। भाई अभी भी हम लोग जो है रात को 10:30 बजे तक पहुँचेंगे अपने घर पे, आई होप सो, अगर हम जाएंगे तो रुकते नहीं है, 900 चलते हैं तब, तो एक्सपेक्टेड है 12:30 हम लोग को बच जाएंगे, क्योंकि खाना वाना खाने के लिए रुकना है सब कुछ है। तो बाकी सब यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, चलो जी फोटो वोटो क्लिक कराते हैं। भाई अपन ने अपनी गाड़ी लगा दी है एक्सप्रेस वे के पास, जो अपना गाजियाबाद को क्रॉस करती है एक्सप्रेस वे, वहाँ पर रात के बज रहे हैं 10,
4:30 बजे हम लोग चले थे, 10 बजे तक हम लोगों ने अपना मेरठ में लगा दी गाड़ी। हाँ जी भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको दिल्ली आके? भूख लग रही है। जाते हुए कितना टाइम लगा था हमें? देरी से देर से पहुंचे थे हम। हर टाइम साला खाना, अब ये खाना वो खाना, अब ये खाना वो खाना। भाई आज तुम्हारे भाई ने एक सांस में नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है। पाँच कितने घंटे हुए यार? 4.5 से 5.5 घंटे, 5.5 घंटे लॉन्ग नॉन स्टॉप ड्राइव करी हम मैंने। उसमें बीच में भी बस एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए रुके थे, और एक बीच में एक एक्सीडेंट हो गया था उसके लिए हम लोग 10 मिनट रुके थे वहाँ पे। अदरवाइज नॉन स्टॉप गाड़ी चली आज। गाइस हाउ डिड यू फील? गुड। और सिर्फ मैंने चलाई है। आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिंग सो अर्ली। चलो ठीक है यार, कुछ खाते पीते भाई, बहुत भूख लग रही है, रात के 10 बज रहे हैं। अरे पेट पूजा कर लेते हैं यार। चलो भाई, काफ़ी लंबी चौड़ी फाइट के बाद हम लोगों को जो छोले भटूरे और राजमा चावल मिल गया खाने के लिए। फाइट क्या हुई है कि पहले ना यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि मल्टीपल आउटलेट्स हैं, तो हम लोगों को खाना था चूरचूर नान वालों का छोले भटूरे। तो जब हम लोगों ने बिल कटवाया तो वो किसी और ब्रांड के हम लोगों को दे रहे थे, तो हम लोगों ने बोला भाई हमारी चॉइस है, हम कोई से छोले भटूरे खा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, हम यहाँ पे छोले भटूरे सर ये वाला ब्रांड देता जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं। देन इसमें बहुत सारी बकचोदी हुई, क्योंकि भाई हमारा थोड़ा गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इसने पेल दिया उसको। देन फाइनली हम लोगों को यहीं के छोले भटूरे मिल गए, जहाँ के वो लोग मना कर रहे थे कि वो बनाते ही नहीं है। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ झोल झाल दे आर डूइंग। बट ठीक है यार, अभी भूख लग रही है, खाना खाते हैं और जाने दो, जो हुआ ठीक है, खाना खाते हैं भाई। चलो अच्छा ठीक है।